हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रितु शर्मा। आज मैं आपके साथ क्विक एंड इजी तरबूज के शेप की मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक कप कच्ची मूंगफली लेंगे और उनको 3-4 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। आप इसे ओवन में भी कर सकते हैं या कढ़ाई में कर लें। इन्हें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस वाइट ही रखना है। तो इसलिए 3-4 मिनट भूनेंगे और इससे इसका छिलका उतरने लगेगा और सारी मूंगफलियों से छिलका अलग कर लेंगे और फिर इनको पीसेंगे। इसके लिए हम 1 कप मूंगफली और 1/4 कप काजू, इन दोनों को मिलाकर आपस में पीस लेंगे। और पीसते समय ये ध्यान रखना है कि इसको लगातार नहीं चलाना है। मिक्सी को 1-2 सेकंड चलाने के बाद रोक लेना है और फिर चलाना है, नहीं तो ये पेस्ट बन जाएगा और हमें इसे पाउडर फॉर्म में रखना है इस तरह से। फिर इसको छान लेंगे। इसका फाइन पाउडर ही चाहिए इसलिए हम इसको छान लेंगे और इसको मोटा मोटा जो भी दाना बचेगा उसको अलग कर लेंगे। एक कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी गरम कर लेंगे और 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल ले लेंगे। आप इसमें काले तिल भी ले सकते हैं। और इनको हम थोड़ा डार्क ब्राउन भून लेंगे। इन्हें 1 कटोरी में निकाल लेंगे। यहाँ पर आप 1 कप बूरा या 1 कप पिसी हुई चीनी या साबुत चीनी भी ले सकते हैं और इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और उनको मिक्स करके चाशनी तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमें 1 तार की चाशनी तैयार करनी है और ये लगभग हमारी तैयार हो चुकी है। इसको चेक कर लेंगे हाथ में लेकर, थोड़ा सा ठंडा करके इसको हाथ में ले लेंगे और इसको फिर चेक करेंगे। और इस तरह से चेक करेंगे तो इसमें 1 तार बनता हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब हमारी चाशनी परफेक्ट है। आप गैस को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देंगे ताकि हम मिक्सचर को इजीली इसमें मिक्स कर सकें। अब जो हमने मूंगफली और काजू का पाउडर बनाया था इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। अभी इसमें मैंने थोड़ा सा पाउडर डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा पाउडर और मिक्स किया है, इसको भी अच्छे से चला लेंगे और मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद मैं सारा जो पाउडर बाकी बचा है वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। इसे एक अच्छा सा टेक्सचर और टेस्ट देने के लिए इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर भी ऐड कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब ये मिक्स हो जाएंगे तो हम गैस ऑन कर लेंगे। गैस को मीडियम ही रखना है, इसको लगातार चलाते रहेंगे और धीरे धीरे हमारा मिक्सचर थिक हो रहा है। 2-3 मिनट के बाद हमारा मिक्सर और ठीक हो जाएगा और उसमें फिर हम 2 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। और उसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसको लगातार चलाते रहेंगे, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगा। ये मिक्सचर रेडी होने पर किनारे छोड़ने लगेगा और हमारा मिक्सचर किनारे छोड़ रहा है तो ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसको गैस ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको हम 10 मिनट के लिए रखेंगे ठंडा होने के लिए और 10 मिनट के बाद इसको एक पॉलिथीन लेकर उसके ऊपर इसको डाल लेंगे। और इसे पॉलिथीन में ही इसको मैश करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसका ऑयल निकल आए और ये एक स्मूथ डो की तरह तैयार हो जाए। इसको इस तरह 3-4 मिनट तक करना है। तीन से चार मिनट के बाद इसका एक रोल तैयार कर लेंगे। फिर इस रोल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। और तीनों को अलग अलग प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। और फिर इसमें हम 1/4 स्पून फूड कलर ऐड करेंगे, रेड कलर का,
अपने हाथ को ग्रीस करेंगे और इसको रेड कलर को डो में मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें, और जो हमने तिल भून कर रखे थे वो भी इसमें मिक्स कर देंगे। ये तिल इसमें बीज का लुक देंगे। मिक्स करने के बाद इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे लेमन साइज की, और या फिर जितने बड़े साइज का आप बनाना चाहते हैं इसको, उस हिसाब से बॉल्स को तैयार कर लेंगे। इसी तरह से वाइट कलर की रखेंगे, इसमें कलर नहीं मिलाएंगे हम, और एक में 1/4 स्पून ग्रीन कलर मिक्स कर लेंगे और उनकी भी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। एक वाइट बॉल लेंगे और उसको हाथ से दबाकर गोल बना लेंगे पूरी की तरह, और फिर उसके बीच में रेड कलर की बॉल रखकर उसको कवर कर देंगे वाइट कलर की पूरी से, और इसी तरह से ग्रीन कलर की बॉल की भी पूरी बनाएंगे। और इसके बीच में जो हमने दूसरी बॉल व्हाइट कलर से कवर करके रखी थी उसको उसके बीच में रख देंगे, बॉल को ग्रीन पूरी से कवर कर देंगे और एक बड़ी बॉल की तरह उसको तैयार कर लेंगे। और इसी तरह से हम अपने बाकी सारे बॉल्स भी तैयार कर लेंगे, और फिर बनाकर इनको आधे घंटे फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद इनको काटना इजी रहेगा। आधे घंटे बाद इसको फ्रिज में से निकाल लेंगे और एक शार्प नाइफ से हम इनको 4 पीसेस में काट लेंगे। इनको लंबाई काटना है तरबूज की तरह से, और इस तरह से हमारी तरबूज की शेप की मिठाई तैयार हो जाएगी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। क्विक और ईजी रेसिपी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।